तो दोस्तों, हम हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम, जैसे कि हमने बताया कि हम फिलिप्स का फैब्रिक शेवर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि कुछ इस तरह का डिब्बा होता है। इसके अंदर वो आता है और कुछ इस तरह का दिखता है जब हम उसे डिब्बे से निकालते हैं। ये फैब्रिक शेवर इस काम आता है, जैसे कि आपके कपड़ों के अंदर, रजाई के अंदर, टोपे के अंदर या ग्लव्स के अंदर, जो कि ऊन का बना हुआ है या फिर किसी और ऐसी चीज़ का बना हुआ है जिसमें रुए आ सकते हैं, तो ये वो सारे रुए काटने के काम में मदद करता है और आपके कपड़े को वापस नया कर देता है। इसके अंदर आपको ब्लेड्स दी हुई होती हैं, इसके अंदर ऑन ऑफ का बटन होता है जो कि 0 और 1 है। 0 का मतलब 0 एंड 1 का मतलब स्टार्ट हो जाएगा। ये फिलिप्स का है जिसके अंदर आपको 2 बैटरीज लगती हैं, एयर बैटरीज, और ये एकदम सेफ है आपके कपड़ों के लिए। अगर आप इस बटन को ऊपर कर देंगे तो चलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसे फैब्रिक पर लगाने के लिए आपको ऊपर का कैप हटाना पड़ेगा और उसके बाद वो ऐसा दिखेगा। और ये जो कंपार्टमेंट आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो भी आपके रुए कटेंगे कपड़े के, वो इसके अंदर आके रुक जाएंगे। और इसके अंदर एयर के लिए डॉट्स भी दे रखे हैं ताकि इसके अंदर हवा जाती रहे और ये कुछ प्रॉब्लम ना आए। और जैसे कि हमने बात करी थी ये 2 सेल की, तो यहाँ पे 2 सेल डलते हैं। फिलिप्स के साथ ही आए हैं ये, इस मशीन के साथ, और ये भी फिलिप्स की सेल डाल के देते हैं क्योंकि लंबे वक्त तक चलता है। देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लास्टिक मटेरियल भी इसका काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और फिलिप्स तो अपने क्वालिटी के लिए माना हुआ है मार्केट के, कॉइन चला रखा है मार्केट के अंदर और काफ़ी अच्छा होता है। ये हमारी एक जर्सी है, एक स्वेटर है, स्वेटशर्ट है, उसके रूप को साफ करके हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि कितने इफेक्टिवली काम करता है। मैंने इसे पूरी तरह सामने रख दिया है और उसके रूए के ऊपर मैं मशीन चला रहा हूँ। आपको हल्के प्रेशर के साथ गोल गोल करते हुए पूरे कपड़े के ऊपर घुमाना होगा और उससे ये सारे रुए काटने लग जाएंगे। देखिए काफी स्मूथली काटता है। और देखिए अब कंपार्टमेंट हम खोलते हैं तो उसने काफी सारा कचरा इसने इकट्ठा कर लिया है जो कि रुए काटे हैं इसने। ये देखिए मैं इसे बाहर निकालता हूँ तो इसने कितने इकट्ठा कर लिया है। वैसे करते में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालने ऐसे करने के लिए, और आपको पूरी पूरी स्वेटशर्ट नई हो जाती है। और ये कंपार्टमेंट हमने वापस लगा दिया। इसको क्लीन करने का बड़ा ही आसान तरीका होता है। और ये हमने सेफगार्ड वापस लगा दिया इसके अंदर, तो यूज़ करके वापस आप ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेड इन चाइना है, फिलिप्स ने बनाई है और मेड इन चाइना है। और अगर इसे हमें क्लीन करनी है तो हमें इसकी ब्लेड्स भी साफ करनी होती हैं। और अगर आप इसे गोल गोल घुमा के स्क्रू के टाइप के अंदर खुल जाता है पूरा पूरा कुछ ऐसे। और ये अंदर 3 ब्लेड्स हैं, इसके साथ ब्रश आता है, उस ब्रश से आप इसे साफ कर सकते हैं। और इसे अगर आप पकड़ के बाहर खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। तो पूरी तरह से हमने इसे डिसम्बल कर लिए। यहाँ पर जो आप ये बटन देख रहे हैं सेफ्टी का है, अगर आप बंद के अंदर अगर आप इसे ऑन कर देते हैं जाके आपकी ब्लेड बाहर निकली हुई है, आपका कैप बाहर निकला हुआ है, तो स्टार्ट नहीं होगा। जब आप इसके ऊपर ये कैप वापस फिक्स कर देंगे पूरा कस कर, तो ही ये स्टार्ट होगा। ये एक सेफ्टी गार्ड है, अगर आपको डर लगे कि बच्चे कहीं से, जब भी आपने खोल रखा है जब बच्चे चला रहे हैं तो उनके लग ना जाए, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे सेफ्टी गार्ड दिया है उन्होंने। और ये हमने इसे वापस कस दिया है साफ करके और पूरी तरह टाइट हो गया है। और ये दोबारा से आपको स्टार्ट होने को तैयार है। दोस्तों, अगर हम इसके कॉन्स और प्रोस के बारे में बात करें तो कौन इसका सिर्फ इतना है, ये थोड़ा सा महंगा है, ये आपको 1000 से 1300 रुपये के बीच के अंदर मिलता है, बाकी आपको दूसरी कंपनी के थोड़ा सस्ता मिल जाता है। बट दोस्तों, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और फिलिप्स आपको इसके साथ साथ 2 साल की गारंटी भी दे रहा है, जो कि एक तरह से प्रो है इसका। तो अगर आपकी 2 साल में ख़राब होती है तो आप वापस कर सकते हैं और आपको सही सलामत एक नया पीस मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था इसके बारे में, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगी। दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप जाके खरीद सकते हैं ऐसे, अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूँगा जो कि आप खरीद सकते हैं। हमें ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के आखिर में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह अपना प्यार जताते रहिए।